हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज हम फिर से इस गेम के काफी खतरनाक मिस को ट्राई करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो कंफर्म है या फिर बस्टेड है। सो वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो प्लीज एक लाइक कर दो यार, काफी ज्यादा मेहनत जाती है वीडियो बनाने में। तो हमारे मीठे, अगर हमारे ऊपर पुलिस फायर कर रही है और हम जल्दी जल्दी वेलोसिरेप्टर के ऊपर बैठ जाएंगे तो पुलिस फायर करना बंद कर देगी। तो सबसे पहले मैं यार कर देता हूँ 3-4 बंदों को किल, क्योंकि हमें चाहिए पुलिस। तो यहाँ पर मैं 3-4 बंदों को मार देता हूँ, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरे को भी मैंने मार दिया। तो आप देख सकते हो कि मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, 3 स्टार लग चुके हैं एंड पुलिस आ भी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो यार, मैं जल्दी जल्दी मंगवा लेता हूँ अपना वेलोसिरेप्टर और उसके ऊपर बैठने के बाद देख सकते हो कि पुलिस वाला मेरे ऊपर फायरिंग नहीं कर रहा है। तो हाँ यार, ये मीट तो एकदम कन्फर्म है। तो हमारा मीट प्लेजर ट्रेन से रेस में जीत जाती है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आ जाता हूँ रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन के पास में मंगवा लेता हूँ गाइस सबसे पहले अपनी प्लेजर स्कूटी। और ट्रेन को मैं कर देता हूँ इंजन स्टार्ट और फॉरवर्ड कर देता हूँ और मैं अपनी प्लेजर के ऊपर फटाफट बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेन अभी स्लो है, तो ट्रेन को थोड़ा फास्ट होने देते। ओके, सो हमारी ट्रेन यहाँ पर काफी फास्ट हो चुकी है और मैंने ट्रेन को आगे निकलने दिया है क्योंकि पता तो चले भाई हमारी प्लेजर कैसे जीत सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी प्लेजर काफी स्पीड से आगे जा रही है एंड ये अपनी मैक्स स्पीड पे पहुंच चुकी है। वो भाई लिटरली इसने तो काफी ज्यादा फास्ट स्पीड पकड़ी है यार। और यहाँ पर ट्रेन को भी इसने पीछे पार दिया, यानी कि हमारी प्लेजर जीत चुकी है। तो ये मीट एकदम कन्फर्म है। तो हमारे मीट घर में खड़ी हुई स्प्लेंडर बाइक से गिर नहीं सकते। तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो घर से बाहर निकलते ही यहाँ पर खड़ी होती है स्प्लेंडर, तो उसके ऊपर मैं बैठ गया और काफी अजीब अजीब जगह ऊपर गया और मैंने काफी खतरनाक सी बेकार बाइक चलाई जहां पर मैं गिर सकता था, लेकिन इस स्प्लेंडर की वजह से मैं गिरा नहीं। तो हाँ यार, ये मीट एकदम कंफर्म है। तो हमारा मीट है ज़ॉम्बीज का आई जो है वो रेड होता है। तो सबसे पहले मैं मंगवा लेता हूँ इस मीट को ट्राई करने के लिए हमारे ज़ॉम्बीज, और ज़ॉम्बीज को मैं स्पॉन करने के बाद उनको पास आने देता हूँ और कर भी क्या सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज़ॉम्बीज पास आ चुके है एंड इनका आईज जो है वो रेड नहीं है गाइज, थोड़ा थोड़ा सा रेड लग रहा है। तो हाँ यार, इनके आईज रेड नहीं है, सॉरी भाई, आपका मीट बस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो हमारा मीट है बीच के पास एक घर रहता है, उसके छत के ऊपर अगर आप RPG मारोगे तो वो आर पार निकल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने बीच के पास और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 घर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो इसके ऊपर ही मार के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अरे स्नाइपर नहीं यार, RPG। तो यहाँ पर RPG मैंने ले लिया है और इनकी छत के ऊपर मैंने मार के देखा तो यार आर पार निकल रहा था एंड दूसरे के ऊपर भी मैंने मार के देखा तो वहां भी आर पार निकल रहा था। तो हाँ यार, ये मीट तो एकदम कन्फर्म है। तो हमारा मीट 5000 वाली पल्सर के पिछले टायर पे रेड एंड ब्लैक कलर का जो कोट डिजाइन है एंड सामने वाले टायर पे अगले वाले टायर पे नहीं है। सो सबसे पहले मैं मंगवा लेता हूँ अपना पल्सर जो की 5000 से आता है। पल्सर मंगवाने के बाद यहाँ पर मैंने देखा तो पिछले टायर पे हाँ यार कुछ डिजाइन था एंड अगले टायर पे मैंने देखा तो नहीं था यार वहाँ पर डिजाइन। तो ये मीट एकदम कंफर्म है। तो हमारे मीट अगर आप ज़ॉम्बीज के सामने रॉल्स रॉयस लाके रखोगे तो ज़ॉम्बीज मर जाएंगे। सो इस मीट को ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने ज़ॉम्बी वाले मोड के अंदर और अपनी बाइक लेके मैं आ जाता हूँ एयरपोर्ट के पास और वहाँ पर आप देख सकते हो कि सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज है एंड यहाँ पर मैं मंगवा लेता हूँ अपनी रॉल्स रॉयस। रॉल्स रॉयस मंगवाने के बाद मैंने अपनी रॉल्स रॉयस को ज़ॉम्बीज के सामने खड़ा कर दिया एंड मैं उसके अंदर बैठा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा ज़ॉम्बी है वो ऑटोमेटिकली मर जा रहा है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा और ये अचानक से मेरी रॉल्स रॉयस को इन लोगों ने उछाल दिया है और उल्टा कर दिया यार मेरी रॉल्स रॉयस को इन लोगों ने। हाँ यार, ये मीट एकदम कंफर्म है। तो हमारा मीट अगर आप 2 फायर ट्रक में एक साथ बैठोगे और फिर स्केयरफुल करोगे तो फिर देखो मैजिक। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मंगवा लेता हूँ एक फायर ट्रक और उसके मैं जस्ट बाजू में आके मैं मंगवा लेता हूँ दूसरा फायर ट्रक और दोनों के अंदर मैं एक साथ बैठ जाता हूँ और फिर उतरने के बाद मैं लगा लेता हूँ अपना स्का फॉल और ऑलरेडी मैंने लगा लिया था अपना इन्फिनिटी हेल्थ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे गिरते ही सारे जो दोनों ट्रक थे वो गायब हो चुके थे। यहाँ पर कोई ना कोई मैजिक तो हुआ है। तो ये मीट एकदम कंफर्म है। तो हमारा मीट है IGS गेमर, लिखो RGS टूल के अंदर। तो इस मीट को ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले खोल ले रहा हूँ मैं अपना RGS टूल और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ IGS गेमर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिख के आया है, लेकिन क्या लिख के आया वो मैं यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मेरा UI ऑफ है। तो UI ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने IGS गेमर लिखा तो यहाँ पर इंडियन यूट्यूबर लिखा हुआ आ रहा है, शायद से ये फेमस यूट्यूबर आ रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ।
और नहीं 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 सॉरी सॉरी, तो हाँ यार ये मीट तो एकदम कंफर्म है। तो हमारा मीटर जो एनपीसी कार को ड्राइव करता है वो सभी कार में सेम होता है। तो इस मीट को ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले लगा देता हूँ मॉल ट्रैफिक का चीट कोड और मैं चला जाता हूँ सबकी कार्स में देखने के लिए कि क्या ड्राइवर सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पहली कार को देखा तो ये व्हाइट शर्ट वाला था, दूसरी कार को भी देखा तो वही था, तीसरी कार को भी देखा तो वही था, यानी कि ये मीट एकदम कंफर्म है। तो यार ये थी आज की हमारी वीडियो, पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। और अगर आपको कोई मिथ पता है तो कमेंट करो फटाफट, मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो स्क्रीन पे आ रही होगी, फटाफट जाके देख लो, काफी ज्यादा अमेजिंग वीडियो है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।